स्वागत है दोस्तों आपका राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों काफ़ी दिनों से हमारे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए हैं, जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि सर एक बार अपने हॉस्टल की वीडियो आप बनाइए, जो स्टूडेंट्स को आप व्यवस्था दे रहे हैं रहने खाने की, तो वो किस तरीके की है। आइए दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे कि हमारे हॉस्टल में क्या क्या सुविधाएं स्टूडेंट्स को दी जाती हैं और हमारा हॉस्टल हमारे इंस्टीट्यूट से कितनी दूर है। तो आइए दोस्तों, ये है हमारा ऑफिस और यहीं पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि इंस्टीट्यूट में मिलने आते हैं तो वो सबसे पहले यहीं पर आते हैं। और ये है हमारी दुकान जहां पर मोबाइल फ़ोन हम रिपेयर करते हैं, जहां पर कस्टमर्स के फ़ोन हम रिपेयर करते हैं, जिससे हम भी अपडेट रहते हैं नए नए फॉल्ट में। और जब तक हम अपडेट नहीं रहेंगे तब तक हम अपने स्टूडेंट्स को नए नए जो फॉल्ट हैं उनकी जानकारी कैसे देंगे। तो इसीलिए दुकान होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का टोटल काम होता है और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारी शॉप पर हम कौन कौन से टूल इस्तेमाल करते हैं रिपेयरिंग के लिए। तो ये हमारा इंस्टीट्यूट है दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बताऊँगा, ये हमारा ऑफिस है इंस्टीट्यूट का और ये है हमारा हॉस्टल जहाँ पर दिल्ली के बाहर से जो स्टूडेंट्स आते हैं वो रुकते हैं। तो यहाँ पे आप आइएगा मेरे साथ, तो सिर्फ 4 कदमों की दूरी पर हॉस्टल है। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये ऑफिस है जहाँ पर स्टूडेंट्स के फॉर्म भरे जाते हैं जो भी लोग दिल्ली के बाहर से आते हैं सीखने के लिए। आइए आइए, दोस्तों ये रसोई है, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए खाना बनता है, फ्रेश खाना बनता है एकदम ताज़ा। और ये लिस्ट है जिसमें हफ्ते के सभी दिनों में क्या क्या सुबह दोपहर शाम बनना है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, कब कब क्या क्या जो है मिलेगा। वैसे खाने में दोपहर का हो या रात का हो, 2 सब्ज़ियाँ तो रहती ही रहती हैं, सलाद, राइस और रोटी, तो इस तरीके का खाना यहाँ पर मिलता है। तो आइए दोस्तों अब आपको कमरे दिखाते हैं जो स्टूडेंट जहाँ पर रुकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, एक बार यहाँ कैमरा दिखाओ, यहाँ पर 2 बेड हैं, 2 टेबल, 2 कुर्सी, यहाँ पर अलमारी है, लॉकर जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कूलर है और आगे आएंगे तो यहाँ भी आप दोस्तों देख सकते हैं, ये एक रूम है। तो यहाँ पर 3 बेड हैं दोस्तों, 1, 2 और 3, और 3 यहाँ पर लॉकर हैं। आप यहाँ दिखाओ एक बार, 1, 2, 3 लॉकर हैं ताकि 3 जो स्टूडेंट रहेंगे उनका सामान जो है सेफ रह सके। और यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन भी है ताकि जो वेंटिलेशन जो रहे वो सही रहे यहाँ पर। और यहाँ भी कूलर रखा हुआ है और यहाँ भी एक रूम है आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये 3 शेयरिंग का रूम है, यहाँ पर 3 लोग रहते हैं। और यहाँ पर सिंगल रूम का भी व्यवस्था है कि किसी को अगर अकेले रहना है तो वो अकेले भी यहाँ पर रह सकते हैं। तो ये रसोई है, देखिए यहाँ पर आज क्या बना रहे हो सोनू जी? अच्छा, रात को बिरयानी बनाएंगे, कौन सी बिरयानी? वेज बिरयानी। क्या क्या सब्जियां डालोगे उसमें? उसमें वेजिटेबल पड़ेगा, गाजर, मटर, शिमला मिर्च, सोयाबीन और बीन्स, मटर, यही सब पड़ेंगे। एक चीज़ तो आपने बताई नहीं, क्या आप जो प्यार से खाना बनाते हो, जो अपना प्यार उसमें डालते हो, मोहब्बत डालते हो, वो तो आपने बताई नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जब क्लास से आते हैं दोपहर में तो यहीं से खाना लेकर यहाँ पर बैठ के वो आराम से खाते हैं। और यहाँ पर भी गैलरी को ठंडा रखने के लिए कूलर रखा गया है और यहाँ भी रूम्स हैं, ये सब रूम्स हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स रुके हुए हैं। और ये सब टॉयलेट है, अरे भाई
ये यहाँ पर एक मशीन यहाँ पर है कपड़े धोने के लिए, और मशीनें छत पे भी रखी हुई हैं तीन चार। और यहाँ पे ये एक टॉयलेट है, एक ये टॉयलेट है हमारा जो है पीजी का, और एक यहाँ पर टॉयलेट है, टॉयलेट बाथरूम है, और एक यहाँ भी टॉयलेट बाथरूम है, और ऊपर भी टॉयलेट बाथरूम है। मतलब व्यवस्था यहाँ पर जो रुकने की है स्टूडेंट की, जो फैसिलिटीज़ हैं तकरीबन वही सुविधाओं की ज़रूरत होती है, वो सब कुछ यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों के इंस्टीट्यूट से ज़्यादा दूर नहीं है, इंस्टीट्यूट से ज़्यादा दूर नहीं है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग कहीं और होती है और रहने खाने की जगह कहीं और होती है, तो स्टूडेंट्स को आने जाने में ही इतना टाइम लग जाता है, पैसे लग जाते हैं तो, और थकान हो जाती है। हॉस्टल का रास्ता है, और यहाँ से अगर हम सीधे ऊपर चले जाएँ, यहाँ से आप सीढ़ियाँ दिखाओ, तो ऊपर क्लास रूम्स हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स सीखते हैं। तो दोस्तों एक ही बिल्डिंग में रहने खाने की व्यवस्था है, ट्रेनिंग की व्यवस्था है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर कि भाई धूप में कहीं आना जाना पड़े। तो उम्मीद करते हैं हमारी व्यवस्थाएं आपको पसंद आई होंगी, और क्योंकि हर चीज़ एक ही बिल्डिंग में है, जैसा कि मैं एक बार और आपको बता दूँ, ये हॉस्टल है, ये हमारा ऑफिस है, ऊपर हमारी ट्रेनिंग्स चलती हैं, और ये हमारी दुकान है। और इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि ये जो आज़ादपुर का एरिया है, एक बार ज़रा उधर कैमरा घुमाओ, एक बार उधर कैमरा घुमाओ, ये जो आज़ादपुर का एरिया है दोस्तों, वहाँ पर थोड़ा जूम करके बताना कि वो पीली जो बस खड़ी है ना, पीली बस खड़ी है उधर दिख रही है ना, दिख रहा है। तो दोस्तों उस पीली बस के ठीक पीछे लगातार बहुत सारी मोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकानें हैं, तो हमारे लड़कों को जब भी कोई पार्ट या कंपोनेंट ख़रीदना होता है तो वो उसको गफार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तरीके का मिनी गफार यहाँ आज़ादपुर में है, और यहाँ से आप कोई भी सामान ले सकते हैं आराम से, कोई भी सामान। आपको मोबाइल का फोल्डर चाहिए, आपको आईसी चाहिए, आपको माइक चाहिए, जैक चाहिए, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। और मेट्रो स्टेशन यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आप आकर के देखना चाहते हैं तो आप आकर के देख सकते हैं, और इसके अलावा किसी और चीज़ पर आपको कोई अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और हमारे 5 तारीख के बैच में आने वाले सभी स्टूडेंट्स का हम स्वागत करते हैं, और आपको ट्रेनिंग लेना है तो आप हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।